तो सुबह हम स्ट्रीट से वॉक कर रहे थे तो बिल्कुल यहाँ पे लोग नहीं थे, और अभी आप जैसे देख रहे हो सारा मार्केट खुल गया है, अभी सारे शॉप्स अभी खुल गए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम आए हैं गिरोना में। तो मॉर्निंग में हमने जो गेम ऑफ थ्रोन था उनके साइट विजिट किए थे। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखिए, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन के फ़ैन हो तो। तो अभी हम आफ्टरनून में जाने वाले हैं जो हमारे बचे हुए यहाँ पर साइट सीइंग प्लेस है। जैसे कि यहाँ पर एक आप देख रहे हो पीछे, यहाँ पर काफ़ी पुराने यहाँ पर कलरफुल घर है। तो यहाँ पर एक घर ऐसा है जहाँ पर हम अंदर जाके विजिट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर म्यूज़ियम है और चर्च है। तो लंच के बाद हम विजिट करने वाले ये सारे प्लेसेस, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। आई है ब्रिज पर, जैसे कि आप देख रहे हो अभी हम ब्रिज पे खड़े हैं, और यहाँ पर रिवर है, और रिवर के दोनों साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्डिंग्स है। ये काफ़ी पुराने बिल्डिंग्स है, कलरफुल अलग अलग कलर्स यहाँ पे किए हुए हैं। तो ये सारे जो घर है ये ओन किए हुए हैं, लाइक प्राइवेट घर है, तो हम किसी भी घर में एंटर नहीं कर सकते अगर हमें घर देखना है जाके। बट यहाँ पर एक घर ऐसा है, द हाउस नंबर 29, जो कि वाइट कलर का है। जो बाकी सारे घर यहाँ पर है वो सारे लाइक येलो, ऑरेंज, ग्रीन कलर के हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक घर ऐसा है जो वाइट कलर का है, और उसका नाम है कासा मासो, जो कि हम विज़िट कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो जैसे कि आप ये साइड में देख रहे हो, तो ये जो घर आप देख रहे हो वाइट कलर का, ये घर विज़िट आप कर सकते हो, और जो बाकी सारे जो घर है वो प्राइवेट ओन है, जो कि आप एंटर नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं उस वाइट वाले घर में, अंदर देखने वाले कि वो घर किस टाइप का है। तो वो जो बिल्डिंग थी वाइट कलर की, वो थी राफ़ाइल मासो की, जो कि एक आर्किटेक्चर था और काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर था। तो उसके जो घर में जो चीज़ें रखी हुई है वो काफ़ी एंटिक है, काफ़ी स्पेशल है, जिसने कि उसने खुद ने डिज़ाइन की है, खुद ने उसका घर आर्किटेक्ट किया है। तो हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे अराउंड 9 बजे, और शायद यहाँ पर जो रेस्टोरेंट खुलने का टाइम है, जो शॉप्स खुलने का टाइम है, वो 1 बजे का है। तो सारे टूरिस्ट यहाँ पर 1 बजे के बाद ही यहाँ पर आना स्टार्ट हुए थे। तो अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आइसक्रीम? तो ये आइसक्रीम यहाँ पर काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं उसे खाने के लिए। तो मासुमोतो सान ने एक्चुअली स्पेशली उसे गूगल किया है। लोकाम फॉरेस्ट, व्हाट लोकाम, जापानीज लोकाम फॉरेस्ट, लोकाम, व्हाट्स द इंग्लिश नेम? गैलेंटेरिया, ये काफ़ी फेमस है स्पेन में। काफे यानी कॉफ़ी फ्लेवर, और दूसरा ये कुकी वाला फ्लेवर। वैसे तो मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ, बट यहाँ का ये काफ़ी फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि वैसे भी आज दिन भर वॉक कर करके काफ़ी कैलोरीज हमने बर्न कर ली है, तो एक आइसक्रीम से कुछ नहीं होने वाला। अभी हम खड़े हैं म्यूज़ियम के सामने। तो ये जो म्यूज़ियम है ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है गिरोना में। तो इसके अंदर जो है वो हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने जो स्टोन यूज़ किए थे आग लगाने के लिए, जो हमने स्टोरी सुनी थी, या फिर जो उन्होंने औजार बनाए थे जैसे खाना बनाने के लिए या शिकार करने के लिए, या उनके जो बोन्स है, जो हमारे होमो सेपियंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके स्टोन और जो उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाई थी हज़ारों लाखों साल पुरानी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है, डिस्प्ले के लिए यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं और वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ये बहुत पुराने हैं, ये आई थिंक 3 लाख AC, यानी काफ़ी पुराने पत्थर ये। तो जो हमारे होमो सेपियन थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो ये पत्थर उन्होंने यूज़ किए थे कुछ तोड़ने के लिए। और यहाँ पर ही आप कंकाल भी देख रहे हो, तो ये भी होमो सेपियन का है। और यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे हो काफ़ी सारे उनके जो बोन्स हैं
ये यहाँ पर रखे हुए हैं सैंपल, तो ये काफ़ी पुराने बोन्स यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हो ये भी वो यूज़ करते थे। तो ये जो भाला यहाँ पर देख रहे हो ये यूज़ करते थे शिकार करने के लिए। तो जैसे जैसे हमारे जो होमो सेपियंस थे वो शिकार करना सीखे तो उन्होंने ये भाला बनाया था और वो शिकार करने के लिए इसको यूज़ करते। इस म्यूज़ियम में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई है जो कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज के पूर्वज यानी लाखों हज़ारों साल पहले, जैसे जो वो धीरे धीरे अपना रिसर्च करने लगे थे और चीज़ें बनाने लगे थे। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि पहले जो हमारे पूर्वज थे उनको आग कैसे लगती है उनको पता नहीं था। रिसर्च किया कि दो पत्थर जब हम घिसते हैं तो उससे आग लगती है, तो वैसे ही धीरे धीरे वो ग्रो करने लगे और अपनी चीज़ें बनाने लगे। तो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए सब वो चीज़ें रखी गई है, पुरानी हज़ारों लाखों साल पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। लेट्स ट्राई ओपन। ओके लेकिन आए लेकिन आए नॉट ओपन। वो अभी इस घर में हम आए थे और एक गलती हमसे हो गई। अब गलती नहीं बोल सकते इसे, बट हुआ ये कि जो ये हाउस है ये बस एक हाउस यहाँ पर है जो कि हम विज़िट कर सकते हैं। और ये हाउस विज़िट करने के लिए हमें पहले से ही रिज़र्वेशन लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमें एक दिन पहले यहाँ पे कॉल करना था और कॉल करके हमें रिज़र्वेशन टाइम यहाँ से लेना था। तो वैसे अभी भी हम यहाँ पे ले सकते थे रिज़र्वेशन, बट जो ऑफिस यहाँ पर है वो बंद है और सुबह चालू था। वैसे यहाँ पर हमने पूछा, आसपास पूछताछ की हमने, तो उन्होंने बोला कि सुबह ऑफिस चालू था बट अभी ऑफिस बंद हो गया है। तो मैंने कॉल करने की कोशिश की, उनका नंबर था ऑनलाइन, मेरा नंबर ढूंढा, उनको कॉल करने की कोशिश की बट कॉल उन्होंने पिकअप नहीं किया। तो मुझे लगता है कि शायद आज का जो विजिटिंग टाइम था वो ख़त्म हो गया है, तो वी कैन नॉट एंटर दिस हाउस। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे अगले साइट पे। आई थिंक दिस शुड बी द वे। कैन वी एंटर? तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि ब्रिज के ऊपर जाना कैसे। तो दो चक्कर तो हमने यहाँ पे लगा लिए बट हमें ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर हमें जाना है, और कैसे जाना है उसका एंट्रेंस हमें मिल नहीं रहा है। तो काफ़ी चल लिया हमने आसपास इसके, ढूंढ रहे तब से, और यहाँ पर कोई है भी नहीं पूछने के लिए कि जिसको हम पूछ ले, कोई स्टाफ हो या कोई बंदा यहाँ पर हो जिसको हम पूछ ले कि ऊपर कैसे जाना। आर्या तुमने हमें बहुत चला लिया है। मैं भी हाँ यही एंट्रेंस है। तो जैसे आप देख रहे हो ये है ब्रिज, यहाँ से आपको वॉक करके जाना है, काफ़ी लंबा ब्रिज है ये। समुतसान वो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे ये है गिरोना सिटी, काफ़ी छोटा सिटी है ये स्पेन में। तो ये इतना फेमस नहीं था गेम ऑफ थ्रोन जब 2015 में यहाँ पर शूट हुआ, उसके बाद ही थोड़ा फेमस हो गया, काफ़ी लोग यहाँ पर आने लगे। मेरे जैसे लोग जिनको जिनको कीड़ा है गेम ऑफ थ्रोन का वो यहाँ पर आते हैं।